बहुत स्वागत आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, कल जिस तरीके से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी, वो वाकई में ये सिद्ध करता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या ये माना जाए कि भारत के पास जो इस समय बॉलिंग अटैक है, चाहे मोहम्मद सिराज की बात कर लें, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात कर लें या मोहम्मद शमी की बात कर लें, जिन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट चटकाए। देखिए, सिंपल सी बात है, हमेशा केवल मोहम्मद शमी को ही क्यों बाहर किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब मोहम्मद शमी खेलने आते हैं तो वो ईशांत शर्मा का दौर था, मोहम्मद शमी ने उनके छत साया में खेलना शुरू किया। उसके बाद आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, फिर भी मोहम्मद शमी को फिर से एक बार निकाला जाता है बाहर। जब मोहम्मद शमी का फिर से दौर आता है तो इस समय मोहम्मद सिराज अपने पीक पर हैं। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने भी श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में 6 विकेट चटकाए, वो भी अपने आप में एक अहम था। आप साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल मोहम्मद शमी ने विकेट लिए और वो 100 विकेट और 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। जी हाँ, विश्व की बात की जाए तो विश्व में उनका 3रा नंबर आता है, लेकिन कल जिस तरीके से उनकी बॉलिंग रही उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से परफेक्ट है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम शार्दुल ठाकुर को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बल्लेबाजी में भी दमखम रखते हैं, वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में आते हैं, वहीं उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। लेकिन बात की जाए वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का जलवा ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में हराकर नंबर 1 बनी। जी हाँ, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की। यानी कि कल मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 277 रनों का टारगेट दिया, जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। रन चेज में भारत के लिए सुमन गिल ने सबसे ज़्यादा 74 रन बनाए। अब हम बात करते हैं सुमन गिल की, जिस तरीके से इनकी फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और इसमें दो राय नहीं, जिस तरीके से उनका फॉर्म है वो बहुत जल्द बाबर आजम को भी पछाड़ सकते हैं, यानी कि वनडे रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनको लगभग 170 या 72 रनों की आवश्यकता है। और नो डाउट अभी आपके पास पूरी सीरीज पड़ी है, यानी कि 2 मैच इसमें बचे हैं, फिर 2023 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें काफ़ी मैच खेलने को मिलेंगे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज है। तो ऐसा अगर कर लेते हैं सुमन गिल तो वाकई में वो नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है, सुमन गिल को उसको पिछाड़ने के लिए लगभग 755 रनों की आवश्यकता है। वहीं अगर बात की जाए सुमन गिल ने सबसे ज़्यादा 74 रन बनाए, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 71 रन, केएल राहुल ने नाबाद 58 और सूर्य कुमार यादव ने 50 रन बनाए। गिल और ऋतुराज ने पहले विकेट के लिए 142 रनों की साझेदारी की। केएल राहुल ने शॉन एबार्ट की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। जी हाँ, वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बात करेंगे भारत ने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, इस शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गई। आपने बिल्कुल सही सुना, भारत ICC T20 और टेस्ट रैंकिंग में पहली नंबर 1 पर थी, अब उसने वनडे रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत ऐसी दूसरी टीम है जिसने एक ही समय तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 का तगमा अपने नाम हासिल किया है। आपको बताते चले कि 2023 वर्ल्ड कप है और इसमें भारत का दबदबा बखूबी देखने को मिलेगा। आपको भारत के घर में मैच होने हैं, इससे पहले साउथ अफ्रीका ही ऐसा कर पाई थी। साउथ अफ्रीका ने 28 अगस्त 2012 को यह उपलब्धि हासिल की थी। आप सोच सकते हैं कि यानी कि जो ये आया है मौका, ये लगभग 10-11 साल तक कोई टीम इसके आसपास नहीं थी जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनी हो। अब ये आपकी भारतीय टीम ने यह कारनामा किया है। चलिए अब आपको बताते हैं भारत की तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग की। T20 में भारत की रैंकिंग 1264 है, नंबर 1 टीम है। वनडे में भारत की 1116 रेटिंग है, वहाँ भी नंबर 1 है। अगर बात की जाए टेस्ट की तो भारत की जो रैंकिंग है वो 1118 है, यानी कि आप बात कर सकते हैं कि भारत इस समय तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है। वहीं बात की जाए रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का भी जलवा बखूबी देखने को मिला। देखा जाए तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी किसी एक रैंकिंग में नंबर 1 पर जरूर है। जी हाँ, T20 में सूर्य कुमार यादव टॉप बल्लेबाज हैं, वनडे में मोहम्मद सिराज टॉप बॉलर हैं
और टेस्ट में आर सोनी नंबर वन गेंदबाज हैं। वनडे रैंकिंग में सुमन गिल नंबर दो पर बल्लेबाज हैं। वहीं रविंद्र जडेजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन ऑलराउंडर हैं। हम बात करेंगे वनडे रैंकिंग की। सुमन गिल नंबर दो बल्लेबाज, उनके पास मौका है नंबर वन बल्लेबाज बनने का। विराट कोहली नंबर आठ बल्लेबाज, रोहित शर्मा नंबर दस बल्लेबाज, मोहम्मद सिराज नंबर वन गेंदबाज, कुलदीप यादव नंबर नौ गेंदबाज। जी हाँ, हार्दिक पांड्या नंबर छः ऑलराउंडर, यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं वर्ल्ड कप में आपकी टीम जो इस समय खिलाई जा रही है वो वाकई में बहुत लाजवाब है। टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो रोहित शर्मा नंबर 10 बल्लेबाज, रविचंद्रन अश्विनी नंबर 1 गेंदबाज, रविंद्र जडेजा नंबर 3 गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह नंबर 10 गेंदबाज, और वहीं फिर से रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर भी हैं। हम ये बात कर रहे हैं टेस्ट मैच की। रविचंद्रन अश्विनी नंबर 2 ऑलराउंडर, यानी कि बात की जाए अगर टेस्ट मैचों की तो नंबर 1 और नंबर दोनों पे आपके भारतीय ऑलराउंडर्स पे काबिज हैं। अक्षर पटेल नंबर 5 ऑलराउंडर। अब बात करेंगे T20 रैंकिंग की। सूर्यकुमार यादव नंबर 1 बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या नंबर 2 ऑलराउंडर। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से कल शमी ने 5 विकेट चटकाए, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर ने 53 गेंदों पर 52 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। फिर शमी ने अपने दूसरे स्पेल में क्रीज पर अच्छा समय बिता चुके स्टीवन स्मिथ को 41 रनों पर चलता किया, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दबाव में ला दिया। बाद में विकेट कीपर जोश इंग्लिश 45 रन और मार्कस स्टोनिस 29 रन ने छठे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की। इस 62 रनों की साझेदारी के चलते टीम को 250 के करीब पहुंचाया। इस साझेदारी को शमी ने 47वें ओवर में स्टोनिस को बोल्ड कर तोड़ा। अगले ओवर में बुमराह ने इंग्लिश को अय्यर के हाथों कैच करवाया। शमी ने अगले ओवर में स्टोनिस के अलावा मैथ्यू शॉट और सीन एबार्ड को भी पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 9 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए। वहीं अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया को 276 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट हासिल किए, वहीं बुमराह अश्विनी और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली के मैदान पर 27 साल बाद जीत हासिल की है। जी हाँ, अब समझिए कि अपने ही घर में 27 साल बाद अगर जीत मिली आपको तो कितना ऐतिहासिक पल रहा होगा। इससे पहले इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में भारत की आखिरी जीत नवंबर 1996 में हुई थी। तब कंगारू टीम को 5 रन से पराजित किया था। उसके बाद अब भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार वनडे इंटरनेशनल में पराजित किया है, यानी कि आप साफ तौर से कह सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए आपकी टीम पूरी तरीके से तैयार है। खेल के अड्डा में इतना ही। धन्यवाद।